नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वोटों की गिनती आज देशभर में लोकसभा चुनाव के लिए जारी है। रुझानों में एनडीए को अभी तक फिलहाल बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर भी गिनती जारी है। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पहरा जो है कड़ा है। 144 धारा लागू है सभी मतगणना स्थलों के बाहर। ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा है और लगातार मतदान जारी है। सुबह से ही 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उसके बाद से जो है ईवीएम मशीनें खोली गई। कहीं 2 राउंड तो कहीं 3 राउंड की जो है अभी फिलहाल मतगणना जारी है। तो अभी तक का जो बड़ा अपडेट है, फिलहाल अभी तक के हिसाब से एनडीए जो है बहुमत पाती हुई दिख रही है अभी तक के रुझानों में। लेकिन हरियाणा की बात करें तो सभी सीटों पर मतगणना जारी है। वहीं एक उपचुनाव को लेकर के भी, जो उपचुनाव की सीट थी करनाल, वहां पर भी मतगणना जारी है और वहां से जो है नायब सैनी आगे लग रहे हैं। तो लगातार पल पल का अपडेट। और 2 सब तस्वीरें देखिए, एक चंडीगढ़ की तस्वीर है, दूसरा जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ की तस्वीर। चंडीगढ़ की तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा है और जो है जगह जगह पोलिंग बूथ पर तैनात है पुलिसकर्मी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जो लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, जो एजेंट पहुंचे हैं, उनके पास क्या क्या सामान बरामद हुआ है वो भी वहां पर रखा जा रहा है अलग से, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बूथ के अंदर नहीं ले जा सकते, कोई महंगी चीज ऐसी कोई बूथ के अंदर नहीं ले जा सकते। तो उससे पहले जो एहतियात है वो भी जो है प्रशासन के द्वारा बरते जा रहे हैं, पोलिंग एजेंटों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मतगणना जारी है जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कड़ी और मुस्तैद की गई है वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। और इस बीच फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने मतगणना स्थल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोकसभा के मतगणना जो है वो अभी जारी है। जिस तरीके से देखा जाए तो पहले राउंड की जो है वो गिनतियां जो है वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए तो अभी हम फिलहाल जो है फरीदाबाद के जो है सेक्टर 14 में मौजूद है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी काउंटिंगों को जहाँ पर जिस तरीके से गिना जा रहा है वो जो है वो यहाँ पर जो है लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर मतगणना जिस तरीके से पहले राउंड की अभी जारी है और कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर में जो है वो खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार पहले राउंड में कौन से प्रत्याशी से आगे और कौन सी पार्टी आगे चल रही है। तो इसको लेकर के अभी फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सेक्टर 14 में जो है वो पूरी तरीके से 144 की धारा जो है वो आसपास यहाँ पर लगा दी गई है और उसके साथ देख सकते हैं अगर पूरी तरीके से एक छावनी यहाँ पर जो है वो बना दी गई है। तमाम तरीके से अगर लेफ्ट की बात की जाए, चाहे वो राइट की बात की जाए, चाहे वो अपोजिट की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो रास्ते हैं वो तो पूरी तरीके से बल्ली लगाकर जो है जो बंद कर दिए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो लेडीज पुलिस की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम जो है जेंट्स पुलिस की बात कर ली जाए, तमाम जो है पैरामिलिट्री की बात कर ली जाए, तो तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो जो है जीरो ग्राउंड पर जाकर के जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद जो है वो यहाँ पर मुलाजिम जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से, क्योंकि पहला राउंड जो है वो अभी जो है वो जारी है और तमाम चीजों को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से लेडीज पुलिस की बात कर ली जाए, चाहे वो जेंट्स पुलिस की बात कर ली जाए, तमाम तरीके से यहाँ पर जो बल्ली लगा करके जो है वो रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो रूट है वो भी यहाँ पर डायवर्ट जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो रूट जो है वो अलग तरीके से यहाँ पर जो है वो पीछे से जो है लोगों के लिए जो घर है यहाँ पर जो रहने के लिए जो तमाम तरीके से देखा जाए तो रूट जो है यहाँ पर डायवर्ट जरूर कर दिया गया है। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पूरी तरीके से बांस बल्ली से जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा दिए गए हैं। तमाम तरीके से बात की जाए तो पुलिस के लिए भी जो है व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। तरीके से देखा जाए तो टेंट यहाँ पर लगाया गया है, तमाम चेयर जो है यहाँ पर लगाई गई है बैठने के लिए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं 3 लेयर में जो है वो जो मतगणना है वो यहाँ पर की जा रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो पहली जो लेयर है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस वो यहाँ पर नजर आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से दूसरी जो बात की जाए तो तमाम जो महकमे हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि चाहे वो सीआईडी की बात कर ली जाए, चाहे वो क्राइम ब्रांच की बात कर ली जाए, तमाम तरीके से देखा जाए तो वो आला अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से जो पैरामिलिट्री है वो तीसरे राउंड
राउंड में यानी कि तीसरी लेयर में जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो लगातार जो जो मतगणना है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो किसी तरीके का भी कोई जो हादसा है यानी कि कोई उपद्रव जो यहाँ पर ना हो पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी के जो एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हवर हुल्ला यहाँ पर मचाते हुए नजर आते हैं। तो उसकी जो उसको भी देखते हुए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर दुरुस्त कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर मतगणना में अगर किसी तरीके से कोई एजेंट जाता है तो उस एजेंट को जो है किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है वो ले जाना जो है वो पूरी तरीके से पाबंदी यहाँ पर लगाई दी गई है। चाहे वो मोबाइल को लेकर के बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के हो, तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है। और जो मतगणना है वो पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा में जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं मोनू पांचाल, फरीदाबाद। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल के इस्तीफा वापस लेने के मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो वहीं विधायक शीतल अंगुराल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। विधायक का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गया है। वहीं इस मामले को लेकर के शीतल अंगुराल का बयान भी सामने आया है। शीतल अंगुराल का कहना है इस मामले में कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया तो उनके जो है 11 जून को सुबह 11 बजे का समय क्यों दिया गया। कुलतार सिंह संधवा ने मीडिया से खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है सुनाते हैं आपको। ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। 11 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ। अभी इतने डे पड़े थे, 69 डे पड़े थे, चलो इनकी मर्जी है, पर मैंने जो लोकतंत्र में मुझे जो अधिकार है मैंने यूज किया, तो इसलिए जो जलंधर के लोग जिन्होंने मुझे एमएलए बनाया उन्होंने मुझे कहा कि हमने तो एमएलए आपको बनाया, हमने कोई पार्टी के लिए नहीं चुना, अपना नेता चुन के उन्होंने भेजा, बेटा बनाकर भेजा, इसलिए उन लोगों ने फैसला लिया कि तुम इस्तीफा वापस। उन्होंने रिसीव कर लिया मेरा, जी मेरी इस्तीफा लैन की जी मेरी लैटर सी वो रिसीव कर ली है, नंबर पवा के टाइम पवा लिया उन्होंने को 11:55 ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਊਂਗਾ, 11 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤਿੰਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और नंगल के गांव मोजवाल की दोला बस्ती के पास एक शख्स सतलुज दरिया में डूब गया, जिसे ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय होने के बावजूद सतलुज दरिया में डूबे युवक का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। सतलुज में डूबे नौजवान की पहचान कुलदीप सिंह निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है। ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੂਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਬੋਟਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਡਬੋਲੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਨੌਲੀ ਮਿਆਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈ ਅੰਬਰਸਰ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ।
और क्योंकि मतगणना जारी है ऐसे में सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है, लगातार पल पल का अपडेट मतगणना जारी है, सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच जो है हरियाणा में सुरक्षा जारी है और वोटों की गिनती भी जारी है। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं 10,766 वोटों से आगे चल रहे हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी है और ऐसे में हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो है वो आगे चल रहे हैं, यहाँ से शुरुआती रुझान क्योंकि आ चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है और कौन कहां से आगे है ये अपडेट आपको दे रहे हैं करनाल उपचुनाव के लिए जो है वहां पर क्योंकि मतगणना जारी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उस सीट से आगे चल रहे हैं, उनके सामने जो टक्कर उन्हें दे रहे थे वो त्रिलोचन सिंह थे कांग्रेस के। अब ऐसे में जो है शुरुआती रुझानों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे दिख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें यानी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है आगे दिख रहे हैं और आगे 10,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाते हुए इस सीट से नजर आ रहे हैं, 2,407 वोटों से आगे चल रहे हैं सीएम सैनी यानी विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो वही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो वो लोकसभा सीट के लिए 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है अभी हरियाणा के करनाल सीट को लेकर के, चाहे वो विधानसभा यानी उपचुनाव की सीट हो या फिर लोकसभा सीट हो, तो ये बड़ा अपडेट। और चंडीगढ़ में उच्च तापमान के चलते थार में आग लग गई, गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से बार बार आगाह किया जा रहा था कि तपती गर्मी में बाहर न निकले और ऐसी घटनाओं से बचे। तो इतनी भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस भीषण गर्मी में थार गाड़ी जलती हुई नजर आई। तो इससे आप मौसम का और गर्मी का प्रकोप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है 50 पार पारा पहुंचा हुआ है और इस पारे में किस तरीके से लोगों को नुकसान हो रहा है। थार गाड़ी एक चलती हुई आपको दिख रही है जो खड़ी है और इसमें गर्मी के कारण आग लग गई। हालांकि प्रशासन और मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट कर रहा था इस गर्मी को लेकर के। और शाम को फरीदकोट शहर के मध्य स्थित पेट्रोल पंप में तेल लेने के बहाने दो बाइक सवार बदमाश जिनके मुंह पर टेप बंधा हुआ था करीब 18,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस पर पेट्रोल पंप मालिक नवीन राबरा ने कहा कि उनका पेट्रोल पंप है शहर के बीच में, लेकिन फिर भी उनके पेट्रोल पंप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सीसीटीवी को देख रहे हैं लेकिन जिस तरह से लुटेरों की हिम्मत बढ़ी है मामले को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। कैश करना कि ऑनलाइन, बस इनी गल हुई है। उन्होंने चपट्टा मारिया, धक्का मारिया, भज गए। इतो सा बंदा एक मगर भी भजया जी मच्छी चौंक ती, उस तो बाद अगे जाके पता नहीं केड़े रोड ते चढ़ गए। दो मोटरसाइकिल मुंडे आए है, मुंह ढके हुए है, 550 रुपए का मुंडे कहने के मुताबिक तेल पान कह पैसे खो के लै गए जी 18,000 रुपए। दिन दिहाड़े ये गल्लां होई जांदियां की हालात बनूगा, साढ़े पंप नूं टारगेट बनी जाते हैं। 3-4 वारी असी पंप साढ़े पंप से ही वार दिता, दोबारा दोबारा दोबारा, मतलब असी दिन चढ़ते सोचते हैं कि आए वाहेगुरु कोई परमात्मा इहो जिहे दिन ना लिया। और अब खबर अबोहर से है जहां इंदिरा नगरी के गोदामों के पास संदिग्ध अवस्था में एक शख्स का शव पड़ा मिला। दरअसल शख्स जो है 3 दिन पहले से लापता था। बताया जा रहा है कि मृतक 3 बच्चों का पिता था। इधर मृतक के परिजनों ने 2 युवकों पर उसे नशे की ओवरडोज देकर मारने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती वो शव को नहीं उठाएंगे और रोड पर ही जाम करेंगे। जानकारी के अनुसार शख्स एक शराब का आहाता चलाता था और परिजनों ने सिटी 1 की पुलिस के उक्त युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए कहा है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और अगर पुलिस ने आरोपी युवकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वे रोड जाम करके प्रदर्शन करेंगे। जी डेड बॉडी मिली जी,
किसी ने मार के सुटिया जी ने ता करके सानू असी थाने जे कंप्लेन कर रहे हैं साड़ी सुनवाई नहीं हो रही जे साड़ी सुनवाई ते कार्रवाई नहीं की जाएगी तो असी रोड जाम करके धरना लावांगे क्यों मौत हुई है पता लगे उन्होंने टीके लाए ने नशे चिट्टे दे जी जगह सारी फरो ले आए हैं उत्थे पहले कुछ नहीं सीगा सवेरे चार बजे तो बाद डंडू वो जगह डंडू मुनी कैसे मिली जी गायब है किसी का बाइक भी लै गया सीगा दुकान से मुंडा बिठा गया सी आपदे उस तो बाद असी लभदे रहे हैं उन्हें जिहदा बाइक है उस मुंडे ने बाइक दी कंप्लेंट कराई है राहुल के खिलाफ भी बाइक नहीं है मम्मी मेरे कहते आप लभदे ने मुंडा भी साडा गायब है सारी रात लभे असी सवेरे दो घंटे घरे बैठे सवेरे पांच बजे मम्मी गए अपने शमशान भूमि वाले रोड से फोन करा घर पे कि आंटी तुम्हारा लड़का हमें बिठा के चला गया नहीं है बस फिर अभी बारह दो ढाई तीन बजे तक ढूंढा रात भर ढूंढा नहीं मिला सवेरे वो गए वहीं पर उसी रास्ते में देख के आए नहीं कोई भी नहीं घंटा बाद आधा घंटा बाद फिर वहीं से मुड़े बाइक और मिट्टी मिली वहां डरी और जो इंसान मर जाता है अपने घरे रखते हैं इसलिए लाश नु सीधा सवेरे चार बजे या तीन बजे बाहर जाके सुट देने किसी नु पता ना चले कोई बात तो बाद देखूगा कोई दो बजे देखूगा अद असी ढाई बजे तक उस जगह देख के कोई बाइक नहीं खड़ा सी कोई कुछ नहीं खड़ा सी अगर डेड बॉडी पई होंगी तो उसका की हाल होंगे इस तरह नहीं होंगे ये सवेरे सुट के गए ने इतने सवेरे सुट के गए ने इन्हें बहुत ही इंसान हर किसी को मारते हैं अंदर ही डोज देते लगाते हैं टीके उस तो मर जाता तो बाहर जाके सुट देते हैं कहते लावारिस लाश है और सरहिंद के माधोपुर के पास बड़ा हादसा होने से टल गया जब रेलवे की दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई जिसमें दो ट्रेन ड्राइवर घायल हो गए हैं और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से यूपी के सहारनपुर सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जो है राजेंद्रा अस्पताल पटियाला रेफर कर दिया। हादसे के बाद से मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग के DRM मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी ने अंबाला की ओर से सिग्नल तोड़ा है जिसकी जांच की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसी बीच जो है जम्मू तवी स्पेशल हॉलीडे ट्रेन भी इन मालगाड़ियों की चपेट में आ गई लेकिन सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ईस्टर्न DFC के एक लोड सिग्नल पास करके एक स्टेबल लोड ही रोपर था उससे टकराया, उससे जो लोड टकराया उससे दोनों लोगों इंडियन रेलवे के मेन लाइन के ऊपर आ गए। जो लोगों मेन लाइन पर आया उसने फिर हमारी एक हॉलीडे स्पेशल थी उसके लोगों के साथ थोड़ा सा डैश किया तो उसके लोगों के दो पहिए उतरे लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित। तख्त दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि इस हमले को भले ही 40 साल हो गए हों, भले ही 400 साल हो गए हों लेकिन जख्म अभी भी बरकरार है क्योंकि 1984 के जून महीने में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमिंदर साहिब पर भारतीय हुकूमत द्वारा टैंकों और बंदूकों से हमला किया गया था जिस दौरान गुरुघर में दर्शन करने आए हजारों निर्दोष सिंघनिया शहीद हो गई जिनकी याद में दुनिया भर में रहने वाले सिख श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जून के इस महीने में जो सप्ताह को एक दुखद याद के रूप में मनाया जाता है। इस हमले नूं 40 साल जो हो जाने ते भावें हो जाए 400 साल इहदे जिहड़े जख्म है वह हमेशा ही सिख मनां दे विच हरे रहणगे क्योंकि बहुत वड्डा दुखांत है 84 दा जिहड़ा इस अस्थान दे उत्ते वरत्या। 1 जून तो लैके 6 जून तक ये जिहड़े 6 दिन है ये सिख कौम लई बड़े असहत बड़े अकह है क्योंकि इन्हां दिनां दे दौरान ही भारतीय हुकूमत ने अपनियां फौजां लैके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते भारी हमला बोलिया, श्री अकाल तख्त साहब की इमारत नूं ध्वस्त कीता। और गुरदासपुर के कस्बे हरचोवाल के पास कल देर रात हरचोवाल हरगोविंदपुर रोड पर सड़क किनारे बनी एक बड़ी झुग्गी में अचानक आग लग गई जिससे झुग्गी में रखा सारा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया और इस झुग्गी में जो बुजुर्ग पति पत्नी है वो पास के गांव में रहने वाले हैं, वो झुग्गी ही उनके काम की थी और वे सड़क के किनारे गुड़ बनाते और बेचते थे।
गुड़ तैयार करने का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने करीब 2 क्विंटल गुड़ तैयार कर लिया था जिसे वे दिन में बेच रहे थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। देखो जी, अभी रोटी खान गए ही नहा धोन, बाद मतलब कि सू इतों फोन गया ताड़ी तू गेहूँ अग लग गई है, सू नहीं पता मतलब कि फिर गुड़ का काम ही मेरा गुड़ वाला भी इन्ना ही वड्डा। हाँ जी, इन 10-12 साल हो गए रोटी खान गए, रोटी खान सू फोन किया। हाँ जी, नुकसान साढ़ा 2 लाख का तकरीबन हो गया, लै गए आप समान से कोहे थे मतलब इस लाख गया। आके लगी किस तरह पता नहीं भाजी, इतना फोन गया वह हमने तो फिर पता लगा कि आग लगी है, अभी रोटी खान गए घर बाद पता नहीं। हाँ जी, सौं भी इतने ही रही भी सारा दिन इतने आ गुड़ बेची का वा, कोई गल ही नहीं यहो जी, अभी तो अपनी रोटी कमाने तो खाते ही नहीं। हाँ जी, अगे भी एक बार वारदात हुई इन्हों के, जो इन्हों का सिर पार दिता बहुत सत्तां लाइया। हाँ जी, उदो भी सुनाई नहीं की ना कोई घटना इदा हुई है भी रोटी खान चल गए। हाँ जी, साढ़े गुआढ़ी साढ़ा घर आ लग गए बिल्कुल नेड़े ही है, तो फिर ये आप पठे थे जड़े ने बंदे इतना पाँच फिर इन्होंने फोन किया ढड़ी झुगी अग लग गई, तो 2-3 जने मोटरसाइकिल से आए वह बइया इतने दफ्तर दुफ्तर लैके आए फिर पहले झुगी अग ला के चल गए। अणपछाते बंदे हम पछाने नहीं चढ़े, फिर पछाण नहीं उन्होंने बंदे नहीं करे। और फतेह सिंह नाम के एक बच्चे ने एक अलग ही मिसाल पेश की है, गतला कला में उसकी महारत, उसने कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतका कला का प्रदर्शन किया और इतनी कम उम्र में पुरस्कार जीते हैं। वहीं परिजन भी बच्चे की गतका कला को बढ़ावा देना चाहते थे। ये देखा गया कि फतेह भी मोबाइल फोन देख रहा था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो है फोन पर गतका कला देखने की थी और स्तर पर प्रतियोगिताएं की गई कई और पुरस्कार भी उसने जीते। अपना खुद का फिटनेस सेंटर अब चलाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। मिशन फिटनेस साडा जिम ही है और मेरे बेटे का नाम फतेह सिंह गिल है जी। असी यूरोप के 2011 में अपना 11 मई के कॉम्पीटिशन से लिथुआनिया के दूसरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप वो असी गए थे, उसे पार्टीसपेट किया। बच्चे के सब तो छोटा सी भजंगी साडा, यदि उम्र 3.5 साल है, ये पार्टीसपेट करके इन्हें नगर कीर्तन जाना कभी गुरु घर जाना निहंग सिंह देखना बहुत वधिया फील करना उन्होंने देख के शुरू तो अंदरों ही लिव सी मैं भी गत्ता करना चक्कर करने है। तो अमृतसर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गतका कला में महारत हासिल करने की ये तस्वीरें हैं। कम उम्र में ही कई पुरस्कार इन्होंने जीत लिए थे और मोबाइल फोन से जो है धीरे धीरे ये कला इन्होंने सीखी, इनका इंटरेस्ट था, जिसके बाद से परिजनों ने इन्हें काफी सपोर्ट किया और अब जो है कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते गए हैं इनके द्वारा। और ये तस्वीरें आप देखिए। तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।